بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين और जो लोग किताब को मजबूती से थामते हैं और नमाज कायम करते हैं तो हम ऐसे इस्लाह करने वालों का अजर जाया नहीं करते। सूरतुल आराफ आयत नंबर 170। وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ सिर्फ आपके रब की जात बाकी रहेगी जो अजमत बुजुर्गी वाला है। सूरत रहमान आयत नंबर 27। إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ यकीन जानो कि अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपनी हालत ना बदले। सूरह रअद आयत नंबर 11। وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ और मैं अपने आप को पाक साफ नहीं कहता क्योंकि नफ्स तो अक्सर बुराई पर उकसाता रहता है मगर जिस पर मेरे परवरदिगार की रहमत हो यकीनन मेरा रब माफ करने वाला रहम करने वाला है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 53। واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور और जो मुसीबत तुझ पर आ जाए उस पर सबर कर यकीनन ये बड़ी हिम्मत के काम है। सूरह लुकमान आयत नंबर 17। فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ بس اللہ بہتر نگہبان ہے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 64۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا और मेरे बंदों से कह दीजिए कि वो बहुत ही अच्छी बात मुंह से निकाला करें क्योंकि शैतान आपस में फसाद डलवाता है बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 53। لا يكلف الله نفسا الا وسعها अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। सूरतुल बकरा आयत नंबर 286। وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا वही तो है अल्लाह जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया ताकि वो उससे सुकून हासिल करे। सूरतुल आराफ आयत नंबर 189। إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ
जो लोग बिन देखे अपने रब से डरते हैं तो उनके लिए बख्शिश और बड़ा अजर है। सूरतुल मुल्क आयत नंबर 12। وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ और जिन लोगों ने हिदायत का रास्ता इख्तियार किया है अल्लाह ने उन्हें हिदायत में और तरक्की दी है और उन्हें उनके हिस्से का तक्वा अता फरमाया है। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 17। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।